नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। जेएनआई न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं रईस कक्षा 11वीं की आपको बता दें, नारी शक्ति का हौसला अफजाई करने और शक्ति का संचार करने के इरादे से जनपद बहराइच में बाल शिक्षा निकेतन की 11वीं की छात्रा उमा सिंह को नगर के एक दिन का कोतवाल बनाया गया है। आपको बता दें, एक दिन के नगर कोतवाल बनी छात्रा उमा सिंह ने कोतवाल का पदभार ग्रहण करते ही पहला काम उन्होंने उपस्थिति पुलिस कर्मियों की रजिस्टर चेक किया। आइए देखते हैं अब्दुल कादिर की एक रिपोर्ट। एक दिन का पुलिस अधिकारी बन के कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसके लिए अपने पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया। शक्ति के अंतर्गत हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम रखा है कोतवाली नगर, नानपारा, खैरी घाट, बयापुर और फकरपुर में। ये 5 थाना क्षेत्र है जिसमें भिन्न भिन्न इंटर कॉलेज के बालिकाएं हैं जो कक्षा 10 से लेकर के 12 तक की हैं, इनको थानाध्यक्ष बनाया गया है। और इसका उद्देश्य यह है कि इनका एक तो पुलिस की कार्य प्रणाली से इनको अवगत कराया जा सके और इनके मन में पुलिस के प्रति जो पुलिस और जनता के बीच की दूरी है उसको कम किया जा सके, साथ ही साथ इनको पुलिस की जो कार्यप्रणाली है किस तरह से जन सुनवाई करती है, पुलिस किन किन तरीके की समस्याओं से उनको सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ उसके जो जनता के साथ जो रिएक्शन टाइम है या जिसका रिस्पांस टाइम है, ये सब सारी चीज़ों का पूरे थाना परिसर का भ्रमण करा करके एक एक कार्यालय चेक कराना, अभिलेख दिखाना, ये सब सारी चीज़ें आज इनको बच्चों को बताया जा रहा है। और जो भी फरियादी आ रहे हैं उनका निस्तारण भी फरियाद का इनके ऊपर है, ये जिस तरह के निर्देश दे रहे हैं उस तरह की उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। आज यहाँ पे कोतवाली में उमा सिंह है, लड़की है जो कक्षा 11 की छात्रा है बाल शिक्षा निकेतन की, वो यहाँ पे थाना प्रभारी के रूप में है। और एक फरियाद इन्होंने जागरून जो कि बड़ी हाट की रहने वाली है सिविल लाइन थाना क्षेत्र की, उनका एक मकान का विवाद था वो लेके सामने आई है। अभी उस पर जो है उन्होंने निर्देश दिया है कि दूसरे पक्ष को बुला करके दोनों पक्षों के बीच में आपसी तालमेल और सहमति के साथ इसका फैसला कराया जाए, उनके निर्देश के क्रम में कार्रवाई कराई जा रही है।